पटना सिटी के माल सलामी स्थित जलकद्दर बाग में जीएस वेलफेयर के माध्यम से सिटी इंटरनेशनल स्कूल में आज एक मेडिकल शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन राजद के एमएलसी कार्तिक मास्टर ने फीता काटकर किया। साथ ही बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामानंद यादव भी इस शिविर में मौजूद हुए। एमएलसी कार्तिक मास्टर भी इस दौरान शिविर में अपना हेल्थ चेकअप कराते नजर आए। इस शिविर में मुख्य रूप से डेंटल, एलोपैथी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, फ्री मेडिसिन, पैथोलॉजी, सभी तरह के खून जांच आदि की सुविधा एक छत के नीचे क्षेत्र के लोगों को मिल रही थी। हालांकि इस मेडिकल शिविर में कई सरकारी अस्पतालों जैसे कि पीएमसीएच, एनएमसीएच, एलएनजेपी, आईजीएमएस से लगभग 50 डॉक्टरों की टीम इस शिविर में मौजूद होकर लोगों का हेल्थ चेकअप किया। लगभग हजारों लोगों ने इस शिविर का फायदा उठाया। मौके पर सिटी इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य गोपी कृष्ण, पार्षद विनोद शर्मा, पार्षद अंजलि राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो सिटी इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा जो निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया है, पहले उनको हम धन्यवाद देते हैं और मतलब सब लोगों को जागरूक करके सबका इलाज करवा रहे हैं। इस तरह का स्वास्थ्य भी लगाने से किस तरह का आम जनता को लाभ मिलता है? इससे गरीब गुरबा को ज़्यादा लाभ मिलता है। इसे सक्षम लोग तो सब जगह जाकर करवा लेते हैं, लेकिन गरीब गुरबा के लिए मतलब उसको जागरूक करके वहाँ पर लगा कैंप लगाए हैं, सब लोग को इलाज कर रहे हैं। सरकार से जितना बन पड़ रहा है सरकार कर रही है, सरकार जितना बन पा रहा है सरकार तो कर रही है, और निजी संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही है इससे मतलब जैसे तब पहुँच कर लोग अपना करवाते हैं, गांव में ही लगाते हैं तो मतलब सर लगाए हुए हैं। किस तरह का शिविर लगाया गया है और शिविर में कौन कौन से बीमारियों का इलाज? शिविर है जो निःशुल्क है और सिटी इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा लगाया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही गरीब तबके के हैं, जो कि अपना इलाज अच्छे तरीके से नहीं करा पाते हैं डॉक्टर के द्वारा, तो उन सभी के लिए हमने व्यवस्था किया है कि अच्छा इलाज उन लोगों को मिले और दवा वगैरह भी मिले। और इसमें हड्डी रोग से संबंधित, नस रोग से संबंधित, उसके अलावा ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह या जनरल फिजिशियन वगैरह सभी लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं और लोग यहाँ आकर अपना इलाज करा रहे हैं, देख ही रहे हैं। आप लोग कितने लोग तक लाभान्वित हो चुके? लगभग सुबह से 1000 के आसपास आदमी लोग आ चुके हैं और अभी और भी लोग आ रहे हैं। ये शिविर आप हर साल लगाते हैं? जी हाँ, यह शिविर हम हर साल लगा रहे हैं, पिछले साल भी लगाए थे। कहाँ के डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हैं? पीएमसीएच के डॉक्टर लोग हैं यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपी कृष्ण कुमार है।